हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमारे एक्साइटमेंट का लेवल आप सभी देख सकते हैं। सुबह सुबह हमने 4 बजे उठ के अपना सबसे पहले मैक्रोनी तैयार किया, उसके बाद जितना भी हमारा बैग पैकिंग था बहुत मिनिमल था जो हमने सुबह किया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी हम जाने वाले हैं, हालांकि हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। समवन इज़ वेटिंग फॉर अस एट वेयर पनवेल बस स्टैंड आई गेस। हाँ, तो वो भी बाइक पे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं गाइज, एंड soon we'll update you and we'll also let you know the destination. तो ये रही हमारी बाइक और हो गए हम तैयार, तो अभी निकल रहे हैं हम पनवेल के लिए। तो दोस्तों अभी हमने ब्रेक लिया है और हम 20 से 25 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर और है, दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम 7:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और धूप देख लो, सनराइज हो चुकी है और हम लेट हो चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस नाउ वी आर हैविंग आवर फर्स्ट मील, तो जो हमारे दिन की शुरुआत है वो चाय और बिस्कुट से हो रही है। एंड वी ऑल नो दैट इंडियंस आर वेरी मच ग्रेट फॉर दिस थिंग, तो लेट्स गेट गोइंग। अभी हम पनवेल सिटी में हैं, करंटली वी आर ऑन बस स्टैंड और यहाँ पे हम किसी का वेट कर रहे हैं, वो भी अभी आने वाले हैं। तो हमारे साथ ही आ चुके हैं एवेंजर से। हेलो भैया जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग जी भाई। हाँ, किधर है गाड़ी? गाड़ी अपनी। चाय पिया चाय पी लो आप भी। ये है हमारी पार्क करने के लिए जगह और ये है करनाला बर्ड सेंचुरी। सौरव यहाँ पे तो बाइक नहीं लगा सकते यार, बाइक तो लगा देंगे, हेलमेट कहाँ रखेंगे? रखने वखने का होगा ना, कोई कुछ नहीं है रखने का, एक हेलमेट को तो रख देंगे। तो हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे और यहाँ से टिकट ले रहे हैं। 9 6 4 0 7 0 यह टिकट काउंटर, टिकट बुकिंग इन कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हेलमेट हमारे हाथ में ही है और बैग में काफ़ी ज़्यादा वज़न है, तो खीरा है, बिस्किट है, पानी की बोतल है, सेब है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं बैठेंगे और अच्छे से चबाएंगे उसको, तो देख लो आप कितना बढ़िया और शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठे हैं उल्लू के पट्टे, देख लो आप, ये है उल्लू के पट्टों का केज। ये वाली खाली है, इसमें कोई नहीं है, ये मोड़ के लिए है। दिल्ली में हमारे छत पे घुमा करते थे और आज हम इन्हें केज में देखने आए हैं। क्या अजीब दास्ता है, ये कहाँ गई? ये रही तोता, सारी की सारी खाली पड़ी है। ओके, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल, ये जिस तरीके से इन्होंने दे हैव बेसिकली पुट दिस ब्यूटिफुल बर्ड्स लाइक इन साइड द केज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस किसी को भी अगर कभी भी कोई पक्षी देखना है, कोई भी देखना है, आप
अपना खुले में देख सकते हैं, ना कि ऐसे केजेस में. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज फाइल अ पेटिशन सो वी कैन बेसिकली फ्री ऑल दीज ब्यूटिफुल क्रिएचर्स. एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लाइक दे आर बेसिकली putting their legs onto the cage and they're trying to escape from that cage. Like it's really disheartened, like, okay, just because of we people they have put these beautiful creature inside this cage. So I request, please file a petition or you can also run some hashtag. ye jitne bhi hamare zoo hote hain एंड अगर हमारा बर्ड सेंचुरी है तो प्लीज़ ऐसे किसी भी जानवर को ऐसे केजेस में ना रखें. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. गेस्ट और ये कुछ कहना चाहेंगे, खाने पीने का कुछ कहेंगे आप? वैसे मेरा मन तो हो रहा है इनको कुछ दे दूं. मेरे पास सेब पड़े हैं पर सेब बहुत महंगे हैं तो मैं दे नहीं सकता बहुत क्योंकि हमने चुन चुन के लाया है. वो तीन सेब हमारे पास, तीनों बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा है तो इसलिए मैं देना नहीं चाहूँगा. आई एम आउट. सो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो गई है और हालत ख़राब होना शुरू हो गई है. वो देखने से आपको लग रहा होगा लेकिन क्या करें, इसी में तो मज़ा आता है. जब तक दर्द नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा. जो पिछली बार हम गए थे कलावंती दुर्ग, वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे जो चढ़ाई थी वो अलग थी. यहाँ की जो चढ़ाई है थोड़ी अलग है. आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी ट्रैक है, सेम पर्सन लेकिन जगह अलग. और ऐसी बहुत सारी ट्रैक होने वाली है, बस टाइम लगेगा. सो हमने अमृत फल निकाल लिया है जिसको हम कहते हैं हिंदी में आंवला. तीन पीस ही लाया था सुपर फूड क्योंकि हम तीन लोग ही हैं. सो एक एक लेंगे अभी और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे खाने पीने की. कावला में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है. ये खा लिया 20 संतरे खा लिया आपने. यहाँ पे मैंने सुना चीता भी है ना? और मैंने भी YouTube पे देखा था चीता इधर घूमते हैं पर गार्ड ने कुछ गेट पर बताया नहीं. सो शायद नहीं है. तो हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे और आज यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पूर्वज आज भी ज़िंदा हैं. ऐसे ऐसे घने जंगलों में हमारे पूर्वज पाए जाते हैं, पेड़ों पे लटकते हुए टहलते हुए. सो इसने प्रूफ कर दिया है कि ये फिट है. सो ये फर्स्ट ट्रायल था. अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप यहाँ पे, हाँ अगर आपको लगता है अपने ऊपर डाउट है कि मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, इसको ट्राई कर लो एक बार. किस कलर का ये है, क्या है फ्रूट? ठंडा ये ठंडा है, फील ठंडा 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 फील हो रहा है. इट्स लुक लाइक जामुन कुछ है, देख लो खाना मत लीजिए. नहीं खाई नहीं, जामुन जैसा लग रहा है खाना. वो ऐसा जब दबाया बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, है ना? बहुत ज़्यादा ठंडा है. ठंडा है ना, बिना फ्रिज का दिखाइए. कोई मेरे को लग रहा है लाके तो नहीं फेंक दिया यहाँ पे. कुछ है इसके अंदर, कुछ बीज है, पूरी चीज़ है इसके अंदर जो इसको ठंडा कर रही है.
अरे यहाँ पे ठंडा है ना मौसम, खाने जैसा जो फल बंदर खाए वो फल हम खा सकते हैं। सो देखते हैं आगे कौन से फल को बंदर खाते हुए दिखते हैं, वो फल हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे ऐसा मन कर रहा है ना यहीं पे कहीं शांति से बैठ जाए और मूव ना करें, बस शांति से बैठे रहे। मुझे लगा मेरा चश्मा गिर गया। बर्ड्स को डिस्टर्ब मत कर भाई, पत्थर मार रहा तो वापस टकरा के हमारे पास ही आएंगे। भाई उनके अंदर भी खून होते हैं और कलर अलग होता है। बहुत आराम से मारा था मैंने। बहुत गुस्से में अभी है, सोच अगर तेरे ऊपर जंप कर दिया तो इसने कूद गया तेरे ऊपर। इसको झूलने के लिए अंतिम रस्सी का था, ये बेल का है, बैठ जाओ इस पे देखना। लोग झूलते हैं इससे। तो बैठ तो पहले एक बार, थोड़ा बैक की वजह से ना बैलेंसिंग में दिक्कत है। लेना उलट मत जाना, ऐसे मत बैठ। नहीं नहीं वो ट्रेन आती है। कहाँ ट्रेनिंग लिया रे? वो चढ़ गया ऐसा ऊपर तो समझ जाने तक की आती है। कहाँ ट्रेनिंग लिया था सर? हरियाणा में। बैठ दिया, बैलेंस तो बना ले पहले। हिला दूं अब? हिला दूं? सो गाइस डोंट ट्राई दिस। ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है और ये है हमारे पास 3 सेब जो हमने 200 रुपये किलो लिए थे। सो हमने एक अच्छा सा जगह ढूंढा है, यहाँ पे बैठ के हम खाएंगे सेब। सो देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। हमने खीरा फेंका है पर वो कैमरे से शर्मा रहा है इसलिए आ नहीं रहा, थोड़ा पीछे जाते हैं। आ गया, देख भाग गया। इसको बोलते हैं मिल बैठ के खाना। हम सेब खा रहे हैं, ऊपर वो खीरा खा रहा है क्योंकि सेब थोड़ा महंगा था इसलिए हमने दिया नहीं उसको। गुस्से में देख रहा है वो। कैसे हो बाबा जी?